बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप कैसे वन शॉर्टकट की के जरिए सेल्स और कॉलम्स एंड रोज के दरम्यान कैसे बहुत ही क्विकली मूव कर सकते हैं, फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल। तो यहाँ से सबसे पहला हमारा शॉर्टकट होगा कंट्रोल प्लस राइट एरो की। तो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे सीरियल नंबर पे है, जैसे ही मैं इसको कंट्रोल प्लस राइट की प्रेस करूँगा तो ये मुझे लास्ट सेल पे ले जाएगा जो कि मेरा ए सी है, जहाँ पे मैंने ये टोटल वगैरह लिखे हुए हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग मूव करते हैं कर्सर को, तो राइट या लेफ्ट एरो की के जरिए वन बाई वन हम सेल के अंदर मूव करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम जैसे ही आप इस फर्स्ट सेल पे अगर हैं और आप लास्ट सेल पे जाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबाएंगे तो ये कर्सर आपका राइट साइड का जो लास्ट कॉलम है उस पे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आपको वन बाय वन कॉलम मूव करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे रहते हुए आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो ये आपका फर्स्ट सेल के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप रोज में मूव करना चाहते हैं, तो आप अगर आपके पास बहुत ज्यादा रोज हैं और यहाँ से आप लास्ट रो पे जाना चाहते हैं, तो आपको वन बाई वन ऐसे क्लिक करने की जरूरत नहीं है या स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे सीरियल नंबर वन पे क्लिक करें और कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस आप करेंगे तो यहाँ पे मैंने 100 रोज इंसर्ट कर रखी है, तो वो डायरेक्टली रो नंबर 100 पे वो चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपने बिल्कुल टॉप पे जाना है सीरियल नंबर वन पे, तो आप कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारा कर्सर जो है अब रो नंबर वन पे आ गया। अगर इस शीट के अंदर आपको अपने कोई कॉलम्स ब्लैंक छोड़ दिए हैं, तो वो अगर आपने उस कॉलम पे या उस रो पे मूव करना है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए इस एफ कॉलम के अंदर 55-56 नंबर कॉलम पे मैंने कुछ ब्लैंक सेल छोड़ दिए हैं, अगर आपने उस पे डायरेक्ट जाना है तो बजाय इसके कि आप इसको सर्च करें यहाँ से, आप क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउन एरो करेंगे तो बिल्कुल वो उस सेल पे चला जाएगा जहाँ पे वो ब्लैंक आपने सेल छोड़े हैं। इसी तरीके से अगर आप बिल्कुल डाउन है, डाउन से अप जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करेंगे तो इससे जहां पे कर्सर रुकेगा उससे ऊपर वाला जो सेल होगा वो आपका ब्लैंक होगा। जी तो दोस्तों, कंट्रोल प्लस एरो कीज की मदद से आप के लिए ये एग्जांपल एक सेट किया है मैंने। अब जहां पे हैं आप, लेट्स से कि रो के बिल्कुल स्टार्ट पे हैं आप, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप मूव नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली आप चाहते हैं कि जो लास्ट हमारी एंट्री है वहां पे हमारा कर्सर जाके रुके, तो यहीं पे आप रहते हुए कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये लास्ट फिल वाला जो कॉलम है उस पे चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट फिल वाला कॉलम है जो है उस पे चला जाए, इसी तरह से आप कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये जंप करके डायरेक्ट उस सेल के लास्ट एंट्री पे चला जाएगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस किया तो उस सेल्स के अंदर जंप कर रहा है। कई दफा ये होता है कि आपसे कोई की प्रेस हो जाती है तो आपका जो कर्सर है, ये अब हमारी रोज हैं 1 लाख के करीब रोज हैं और यहाँ पे जो ए टू जी कॉलम्स हैं वो लास्ट कॉलम्स में हैं। यहाँ से अगर आपने वापस अपनी शीट के टॉप पे जाना है तो आपको मैनुअली इस तरीके से या स्क्रॉल करके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही टाइम टेकिंग काम है। आप क्या करेंगे यहीं पे रहते हुए कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आपका जो कर्सर है यहाँ पे शीट के टॉप पे आ जाएगा। सो यहीं पे रहते हुए अगर आप बिल्कुल लास्ट जो शीट का लास्ट कॉलम है, जो जहाँ पे आपने शायद एंट्रीज भी ना कर रखी हो, वहां पे जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट कॉलम पे आएगा। यहीं से दोबारा अगर आप एंड की प्रेस करेंगे, सॉरी एंड की नहीं, आप अगर यहाँ से दोबारा आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल लास्ट सेल पे चला जाएगा, और इसी तरीके से कंट्रोल प्लस
राइट एरो की प्रेस करेंगे तो ये आपका बिल्कुल लास्ट कॉलम और लास्ट सेल पे आके आपका कर्सर रुक जाएगा। दोबारा आप कंट्रोल होम करें तो ये आपको बैक फर्स्ट कॉलम पे ले जाएगा। इसका एक और तरीका भी है, अगर यहीं पे रहते हुए आप लास्ट अपने जो फिल एंट्री है वहां पे जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस कीजिए और साथ ही उसके एरो की राइट प्रेस करेंगे तो तब भी ये आपका लास्ट कॉलम पे चला जाएगा। होम की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट एंट्री पे चला जाएगा। सो यहाँ पे जो ब्लैंक सेल हमने छोड़े हुए हैं, अगर सेम वैल्यू आप नीचे फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें, कंट्रोल डी कंट्रोल डी, तो ये सेम फिल कंट्रोल डी यानी डाउन फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी के मुतालिक आपको एक और अमेजिंग चीज बता दूं कि अगर आपने किसी सेल के अंदर को फॉर्मेटिंग कर रखी है, बैकग्राउंड कलर लगा रखे हैं या फॉन्ट का स्टाइल चेंज किया हुआ है, तो अगर आप उसके नीचे कर्सर रख के कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो सेम एज इट इज उसकी फॉर्मेटिंग समेत कलरिंग समेत उसको कॉपी कर देगा। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कुछ शॉर्टकट्स के हवाले से। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।